कार्टून टीवी। बांसुरी वाली चुड़ैल। बेटा मोहन, रात हो गई है, अपने कानों में रुई डालकर बंद कर लो जल्दी से। हाँ हाँ पिताजी, बस अभी करता हूँ। सुनते हो, रात हो गई है और आप अभी तक बिना कान बंद किए ही घूम रहे हैं। चंपा चंपा, मुझे रुई मिल ही नहीं रही, कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ, तुम ही बता दो कहाँ पे है। ये लो जल्दी, जल्दी से कान बंद कर लो अपने। ये मैंने भी अपने कान बंद कर लिए, अब सोने के लिए चलता हूँ। ये आखिर क्या हो रहा है इस गांव के लोगों के साथ? सब लोग अपने कानों को क्यों बंद कर रहे हैं? आप भी यही सोच रहे हो ना? तो चलो फिर आपको इसकी तह तक लेकर चलते हैं। दोस्तों, इस गांव का नाम है दीनापुर। इस गांव में एक बांसुरी वाली चुड़ैल का साया था। उस बांसुरी वाली चुड़ैल के बारे में कहा जाता था कि वो रात के समय आती है और यदि कोई भी इंसान उसकी बांसुरी की आवाज को सुन लेता है तो वो उस चुड़ैल के पीछे पीछे चलने लगता है। फिर वो चुड़ैल उस इंसान को अपने साथ ले जाती है, फिर वो कभी भी वापस नहीं आता। इसीलिए इस गांव के लोग रात होते ही अपने कानों में रुई डाल लेते थे, जिससे कि उस चुड़ैल की बांसुरी की आवाज उनको ना सुनाई दे। लेकिन इतनी सावधानी बरतने के बाद भी किसी ना किसी से कोई चूक हो ही जाती थी, जिस वजह से वो उस बांसुरी वाली चुड़ैल का शिकार बन जाता था और उसके पीछे पीछे चल देता था। मेरी बांसुरी की धुन से बचना इतना भी आसान नहीं जितना तुम गांव वाले सोच रहे हो। तुम सब लालची और धोखेबाज हो। तुम्हारी इसी मक्कारी की वजह से ही तुमको ये सब भुगतना पड़ रहा है। समय बीतता जा रहा था और अब गांव वालों की संख्या भी कम होने लगी थी, इसीलिए अब सबको चिंता होने लगी थी कि कहीं अगला नंबर उसका तो नहीं आएगा। एक दिन की बात है, गांव में एक आदमी आता है, लंबी लंबी दाढ़ी वाला वो इंसान गांव में आता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। एक गांव वाला वहां से जा रहा था तो उस फकीर के जैसे दिखने वाले इंसान को देखकर रुक जाता है। अरे भाई, तुम कौन हो? तुम इस गांव के तो नहीं लगते। हाँ, मैं एक राहगीर हूँ। राहगीर हो तो ठीक है, लेकिन रात होने से पहले यहाँ से चले जाना। लेकिन मैं तो इसी गांव में रुकने के इरादे से आया हूँ। लगता है तुमने बांसुरी वाली चुड़ैल के बारे में नहीं सुना। अगर तुम यहाँ पर रात को रुके तो वह तुमको अपने साथ ले जाएगी। मुझे भला वो मुझे अपने साथ क्यों ले जाएगी? मैंने तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। वो तो तुम्हारे गांव के लोगों ने उसके साथ बुरा किया था, जिसका वो तुमसे बदला ले रही है। लगता है ये कोई सरफिरा इंसान है जो पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। उस फकीर की बातों को अनसुना करके वो गांव वाला अपने रास्ते चल देता है। थोड़ी दूर चलने पर उसको दीनू काका मिलते हैं। दीनू काका गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी थे। वो गांव वाला दीनू काका को उस फकीर के बारे में बताता है और उसकी कही हुई बातें भी बताता है। सब सुनने के बाद दीनू काका उसको बोलते हैं, बेटा मुझे उस फकीर के पास ले चल, क्योंकि मैंने भी ये बातें सुनी हैं, लेकिन मुझे भी पूरी सच्चाई का नहीं पता, शायद भाई हमारी कोई मदद कर सके। किसना दीनू काका को लेकर उस फकीर के पास जाता है। दीनू काका उस फकीर से पूछते हैं, लेकिन वो कुछ बताता ही नहीं। तुम दोनों चले जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो।
तुम सब इस बांसुरी वाली चुड़ैल से बचना चाहते हो तो फिर सुनो, ये बात है कई साल पुरानी। तुम्हारे इसी गांव में जंगली जानवरों ने बड़ा उत्पात मचा रखा था। कभी कोई जानवर किसी के पालतू जानवरों को उठाकर ले जाता था तो कभी वो गांव के लोगों के ऊपर हमला कर देते थे। सब गांव वाले बहुत दुखी थे। उसी समय एक बांसुरी वाली गांव में आई। वह बहुत ही अच्छी बांसुरी बजाती थी। क्या बात है, इस गांव के लोग इतने उदास क्यों हैं? हम सब जंगल के जानवरों से बहुत परेशान हैं। वह जानवर हमारे गांव में घुस आते हैं, कभी हमारे ऊपर हमला कर देते हैं तो कभी हमारे पालतू जानवरों को मार देते हैं। अगर मैं आपकी मदद करूं और इन जानवरों से आपको चिंता मुक्त कर दूं तो? तुम भला हमारी मदद कैसे कर सकती हो? क्या तुम इन जानवरों से लड़ोगी? सरपंच जी, इस बात की चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप तो बस ये बताइए कि अगर मैंने अपनी जान पर खेलकर उन जानवरों से आप सबकी रक्षा की तो आप मुझे क्या इनाम देंगे? हम तुमको इस गांव में एक घर और खेती के लिए जमीन और पैसे भी देंगे। ठीक है सरपंच जी, मैं अभी जंगल में जाती हूँ और उन जानवरों को अपनी बांसुरी की धुन से कहीं और छोड़कर आती हूँ। बांसुरी वाली अपनी बांसुरी बजाती है और जंगल की तरफ चल देती है। रात हो जाती है। उस दिन कोई भी जंगली जानवर गांव में नहीं आता। अगले दिन सुबह फिर वो बांसुरी वाली आती है। सरपंच जी देखो, मैंने सब जानवरों को आपके गांव से बहुत दूर छोड़ दिया है। अब वो आपको कभी भी तंग नहीं करेंगे। अब आप भी अपना वचन पूरा कीजिए। लेकिन सरपंच की नियत में खोट आ गया था। लेकिन तुमने ये सब कैसे किया? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने ही उन जानवरों को हमारे गांव में भेजा था। देखो सरपंच जी, अब आप अपने वचन से पीछे हो रहे हो और मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। देखो भाइयों, यही बांसुरी वाली है जिसकी वजह से हम इतने समय से परेशान हो रहे थे। इसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहते हो सरपंच जी, इसको तो सजा मिलनी चाहिए। मारो इसको, इसको सजा दो, मार डालो इसको। सब गांव वालों ने उस बांसुरी वाली को मार दिया और उसको एक खाई में गिरा दिया। अगर तुमको ये सब पता है तो तुम ये भी तो बता सकते हो कि इस बांसुरी वाली से बचने का क्या उपाय है। ये वही बांसुरी वाली है जो चुड़ैल बनकर तुम सबसे बदला लेने आई है। हे भगवान के नेक बंदे, हमारी मदद करो और हमको इससे बचने का कोई उपाय बताओ। वो बांसुरी वाली सिर्फ अपना बदला चाहती है और वो तुम सबको इसी तरह मारती रहेगी। जाओ उस चुड़ैल के पास, उससे माफी मांगो। बोलो उसको कि हमारे पूर्वजों ने जो गलती की उसे माफ करे। आज रात जब वो आएगी तो तुम सब एक साथ माफी मांग लेना। सब ऐसा ही करते हैं और रात होने पर वो सब एक साथ उस चुड़ैल से माफी मांगने के लिए तैयार होते हैं। और आज किसी ने भी अपने कान में रुई नहीं लगाई थी। तभी सबको बांसुरी की आवाज सुनाई देने लगती है और वो चुड़ैल भी सबके सामने आ जाती है। आज तुम सब मेरे साथ जाना चाहते हो क्या? बांसुरी वाली, हमको माफ कर दो। जो भी हमारे पूर्वजों ने तुम्हारे साथ किया, हमको उस बात को बहुत दुख है। नहीं, इस गांव के लोग बस धोखा देना जानते हैं और मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। चुड़ैल किसी की भी नहीं सुनती और वहां पर मौजूद गांव वालों को मारना शुरू कर देती है। कुछ देर के बाद चुड़ैल अपनी बांसुरी बजाती है और जाने लगती है और उसके पीछे पीछे अब गांव वाले भी चलने लगे थे।
तभी हवा में उड़ता हुआ एक बड़ा सा पत्थर आता है और उस चुड़ैल को आकर लगता है। इससे उस चुड़ैल के हाथ से वो बांसुरी भी नीचे गिर जाती है। चुड़ैल गुस्से में इधर उधर देखती है। मैं यहाँ हूँ बांसुरी वाली, इन गांव वालों को माफ कर दे, क्योंकि इन्होंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। जो गलती इनके पुरखों ने की थी उसकी ये बहुत सजा भुगत चुके हैं, अब इनको माफ कर दे। नहीं, मैं इन सबको माफ नहीं करूंगी। इसी में ही सबकी भलाई है, तुमको भी इससे मुक्ति मिल जाएगी, वरना जन्म जन्म तक इसी तरह अपने बदले की आग में तुम भी तड़पती रहोगी। चुड़ैल शांत हो जाती है और सब गांव वालों को छोड़ देती है। चुड़ैल अपनी बांसुरी उठाकर बजाने लगती है, लेकिन इस बार उसकी बांसुरी किसी को भी कोई नुकसान या वश में करने के लिए नहीं थी, बल्कि यह उस चुड़ैल की तरफ से उन सब गांव वालों के लिए माफी का संदेश था। गांव वालों, मैं अब इस गांव से जा रही हूँ, लेकिन फिर कभी भी किसी के साथ गलत मत करना और हमेशा ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करना। इतना बोलकर चुड़ैल वहां से गायब हो चुकी थी। सब गांव वाले उस फकीर को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो भी वहां से जा चुका था। कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं जो दूसरों की भलाई करने के लिए ही आते हैं और अपना काम करके वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं।